हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स लस्सी वाला सबसे पहले। और मौसम की हाल बता दूं तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और कड़कती फड़कती वाली धूप है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। सबसे पहला टास्क है हमारा ऑटो खोजना, उसके बाद मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई भी है, तो वो और मैं जा रहे हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करने। तो शॉपिंग भी करेंगे, साथ में कुछ खाना पीना करेंगे। तो आज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ। हो सकता है अगर मार्केट वीडियोस मेरे बहुत सारे बने तो पार्शियली वीडियोस बना दूँगी, एंड अभी जहाँ भी हम लोग जाएंगे उसका व्लॉग तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ और सबसे पहले ऑटो लेती हूँ, और फिर सबसे पहले हम लोग जाएंगे लस्सी वाले के यहाँ जो जयपुर का बहुत ही फेमस है। एंड उनका मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम लस्सी वाले के पास पहुंच चुके हैं और धूप बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं लस्सी वाले के यहाँ, और अब देख सकते हो कितनी गर्दी है। मैं तो एक में काफी है भाई, एक इज लाइक बॉल। हाँ कितना हुआ? तो हम फिलहाल यहाँ पे आ गए लस्सी वाले के यहाँ। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो बंद हो गया था, तो दिस टाइम वी हैव इट एंड वी हैव दिस प्रिटी लस्सी विद अस। यहाँ पे अल्टीमेट क्राउड भी रहता है, सो यस, एंड दिस इज द लस्सी विच वी आर हैविंग। दिस इज द लस्सी वाला, आई विल शो दिस इंटायर आउटसाइड ऑल्सो। आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, एंड दिस इज द लस्सी विच आई एम हैविंग, एंड रानी टू हैविंग लस्सी। कैसा है? अच्छा है ना? सो ऐसा लार्ज पिएगी? पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमने लस्सी पी लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं बापू बाज़ार जौहरी बाज़ार की तरफ। आपको तो पता ही होगा अब कि जौहरी बाज़ार के अंदर घुसते ही बापू बाज़ार, हवा महल मार्केट, हम सब कुछ देख सकते हैं। फिलहाल मैं MI रोड के गलियों में घूम रही हूँ, जहाँ पे ये जेम्स प्लाजा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे आप बहुत सुंदर सुंदर जेम्स देख सकते हो। सो यस, अभी हम लोग निकलते हैं बापू बाज़ार की तरफ। आपके यहाँ पे भी शूज में क्या क्या रेंज है? ज्यादा नहीं, आप तो आता हूँ आपके लिए, ज्यादा नहीं आपके लिए। मैं क्या प्राइस है? अपने स्टोरी हो अपने, ये आप भी पसंद कर लीजिए। आप पसंद ये आएंगे हमारे साथ शॉपिंग करने, तो वो आप दिखाइए उनको कुछ अच्छे मोजरीज हो तो। जी आइए, अंदर आजिए मैम, चप्पल में देखो जूते में ले पाऊंगा। तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारे शू कलेक्शंस हैं। भैया आपकी स्टार्टिंग रेंज क्या है मोजरियों में? ये मेंस की है, मेंस की चाहिए आपको? नहीं, दोनों का रेंज क्या चलेगा? 150 से स्टार्ट है। 150 से चालू है ही नहीं। बहुत सारी वैरायटीज आई हुई है अभी, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए है, देख सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर हेवी कलेक्शन भी आपको दिख जाएंगे मोजरियों में। तो यहाँ पे पर्ल्स में भी आपको बहुत प्यारे प्यारी मोजरियाँ मिल जाएंगी, जिनके अलग अलग प्राइजेस है। इनका स्टार्टिंग प्राइस है 150 से, तो ये आप देख सकते हो। ये बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी मोजरियाँ आपको मिल जाएंगी, इनके भी अलग अलग प्राइजेस हैं, 150 से यहाँ पे स्टार्टिंग है। डिफाइन करता है कितना कितना डिज़ाइन का आप लेते हो, उनके हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस भी चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रीट शॉपिंग में भी आएंगे तो आपको बहुत सारे शू वराइटीज मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मोजरीज वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टोर्स बराबर लाइन से आपको सारे मिल जाएंगे, तो ये पूरा जगह है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, सो इट लुक्स एक्चुअली ऑसम।
एंड सबके प्राइजेस अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी दिखाया है। और भी बहुत सारे शू कलेक्शंस आपको यहाँ पे दिखती जाएंगी, बहुत सारे हैं जूतियों के कलेक्शंस, साथ में कपड़ों के ब्लैंकेट्स, रजाई भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ज्वेलरी कलेक्शंस मिल जाएंगे, इनका नाम है लक्ष्मी बैंगल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दे हैव लॉट्स ऑफ बैंगल कलेक्शंस, आपके पास लाख की चूड़ियाँ भी होंगी ना, तो इनके पास लाख के कलेक्शंस भी हैं, तो एक बार चलते हैं। मेटल की भी है, ओके। तो बैंगल्स दिखा दीजिए इनको, लाख की अपनी स्पेशलिटी। अच्छा भैया, लाख की स्पेशलिटी क्या है, मतलब ये अंदर की तरफ फिल होते हैं ना? लाख एक लिक्विड होता है, जैसे मट्टी होता है वैसे ही मटेरियल होता है। अच्छा, बट ये लिक्विड होता है, मट्टी सूखा होता है। अच्छा, राजस्थानी बंगड़ी लुकिंग पे आता है, प्योर क्वालिटी लाख। अच्छा, ये अपने बंगड़ी स्टाइल में होंगे। हाँ। और इनके प्राइसेस क्या पड़ेंगे अपने को? रजवाड़ा लुक में, ये रजवाड़ा लुक में। हाँ। और इनके प्राइसेस क्या पड़ेंगे अपने को? पड़ेगा 650 का सेट आता है, 8 पीसेस आएंगे इसमें, 8 पीसेस आएंगे एंड 650 का अपने को पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपने मेरे को पहले दिखाया था, ये कितने का? 350 पेयर। ये 350 का टू, अच्छा वन पेयर होगा ना, राइट? ये पेयर है, जॉइंट है। अच्छा अच्छा, ये जॉइंट में रहेगा, ओके। ये आप टेबल रोल के हिसाब से भी आप देख सकते हो, इसमें डिजाइन भी है भैया, ये देखिए। क्या प्राइस है इनका? 550। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत हैवी नेक पे नेक डिज़ाइन है। इसका भी क्या प्राइस? 550। होम डेकोर के हिसाब से आप कुछ इस तरह के मैट्स भी ले सकते हो, जिसमें एलिफेंट्स बने हुए हैं, इसमें नेक बना हुआ है जो मुझे बहुत यूनिक लगा। इसका क्या प्राइस है भैया? इसका क्या प्राइस पड़ेगा? 395। ये कफ्तान 550 का है ना? ओनली फॉर यू मैम। अच्छा, वैसे तो 750 का है सेलिंग। 3250। तो फाइनली हमने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की है, सबका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्प दिखाया है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है इंटायर, तो उसके डेडिकेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप वो जरूर से चेकआउट करना। फिलहाल मैं जा रही हूँ पड़ी चौक पर, इन द मीन वाइल अगर हम लोग को कोई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाएगा तो हम वो भी परचेज करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं और जल्दी से बड़ी चौपड़ जाते हैं, और शाम हो चुकी है, 6 बज गया है और मुझे अर्ध चंद्रमा दिख रहा है, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो वहाँ कहीं पे है अर्ध चंद्रमा। तो चलिए अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। फिलहाल मैं आपको स्ट्रीट शॉपिंग भी दिखा देती हूँ जो जौहरी मार्केट में आपको मिलेगा, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हम लोग को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज हो गए, या कोई सुंदर सुंदर ज्वेलरीज, होम डेकोरेशन के सामान, कपड़े, ये सब हमें चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रीट में बहुत कुछ मिलेगा, एंड इन इंडिया ओनली, मतलब जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो अब जयपुर आने लगे हैं। एंड ये जो पीछे आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन वर्क किया हुआ बिल्डिंग है, जो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस अभी, और यहाँ पे ना ऑन द स्ट्रीट आपको बहुत सुंदर सुंदर लहरियों का काम किया हुआ साड़ी, सूट्स, ये सब मिल जाएगा, बहुत सारे होम डेकोरेशन के आइटम्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखिए, इस तरह के ब्यूटीफुल हैंडमेड मिरर्स वगैरह मिलेंगे, एलिफेंट्स एंड ऑल, ये सब बाकी भी चीज़ें हैं वॉल वाले, ये सब भी आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो बांधनी के आपको दुपट्टे वगैरह मिल जाएंगे, प्लाजोस, पैंट्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। एंड भैया, ये इनके क्या प्राइसेस पड़ेंगे हैंगिंग वाले? ये 150 का एक है, पेयर नहीं दे रहे हो? 150 का पेयर है। अच्छा, ये 150 का पेयर और ये वाला 150 में। अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं बड़ी चौपड़ की तरफ, अब कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, एंड रात को यहाँ पे बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है रेड सैंडस्टोन पे, आप देख सकते हो पीछे की तरफ। अब चलिए कुछ खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मैं क्या खा रही हूँ। वैसे आप लोग अगर मुझे फॉलो पहले से करते हो, तो मैं जब भी बड़ी चौपड़ खाती जाती हूँ तो मैं मूंग दाल के बड़े ज़रूर से खाती हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो चलिए सबसे पहले मूंग दाल के बड़े खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो गया है, शाम का वक्त हो रहा है, 7 बज रहा है। हाँ, यहाँ पे ज्वेलरीज ही ज्वेलरीज एंड होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट, साड़ी, लहंगा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं बड़ी चौपड़ पे, आपसे मिलते हैं। सबसे पहला काम है, हम लोग मूंग वड़ा खाने वाले हैं, एंड उसके बाद आई एम गोना हैव वन जूस, यहाँ से या कहीं से देखते हैं आगे।
और क्या है खाने का, लेट्स सी। एंड नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरी लाइटिंग हुई भी है एंड यू कैन सी देयर। सो लाइटिंग की वजह से ना ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें हैं तो ये आप देख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल बड़ी चौपड़ में खड़ी हूँ, लाइटिंग ही लाइटिंग है। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो मोजरियाँ मिल सकती हैं आपको, ज्वेलरीज वगैरह भी हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शॉपिंग की आपको मिल जाएंगी। बड़े में ना भैया ने हरी मिर्ची और चटनी का फ्लेवर डाला है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप जब भी आओ तो ये बड़ी चौपड़ की तरफ आना, गेट नंबर 4 की तरफ आपको ये खाने को मिलेगा। इसके अलावा छोले कुलचे वाले थे वो भैया अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, एंड और भी चीज़ें मिलती हैं। तो लेट्स जस्ट हैव दिस और उसके बाद हम निकलते हैं। तो यहाँ पे नींबू पानी पी के और यहाँ पे कुलचा भी मिलता है एंड बाहर का सीन देखो। रानी कैसा लगा घूम के? इससे सबसे ज़्यादा शॉपिंग की इस बार मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है, मम्मी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से पैसे भी नहीं है मेरे पास। फिलहाल यही मेरे को स्पॉन्सर कर रही है, सोचो ये आई है बार्स और ये मेरे को स्पॉन्सर कर रही है।